तो गाइज हम लोग आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि टेक्निकल वाला लोगो कैसे बनाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। बहुत आसानी तरह से आप लोग बना लेंगे। तो किस ऐप्स के मदद से आप लोग टेक्निकल लोगो बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है पिक्सआर्ट, जैसे इसमें दिखा रहा है ये गोल वाला चिन्ह में PICSART पिक्सआर्ट, इस तरह का लोगो सर्च कीजिएगा जैसे ये गोल में दिखा रहा हूँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोग इसे खोलिएगा। खोलने के बाद थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद गूगल से साइन अप कर लीजिएगा। फेसबुक से देता है तो गूगल से भी साइन अप कर लीजिएगा, अच्छा रहता है। उसके बाद खुलने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस दिखाएगा, तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। चलिए बताते हैं, जैसा कि इसमें दिखाते हैं, जैसे ये प्लस है, रुकिए बता रहे हैं, जैसे कि यह प्लस वाला चिन्ह दिख रहा है ना, ये इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट फोटो पर क्लिक कीजिएगा। एडिट फोटो पे ये देखिए, एडिट फोटो इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई एक बैकग्राउंड लेना है, जैसे इसमें लिखा है बैकग्राउंड, देखिए ये बैकग्राउंड है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें से कोई एक बैकग्राउंड लेना है, जैसे ये गोल गोल दिख रहा है आपको, रुकिए बताते हैं आपको थोड़ा, हाँ जैसे कि ये देखिए, ये गोल है, ये भी गोल है, ये गोल है, ये गोल है, इसमें से कोई आप ले लीजिएगा। जैसे कि मैं उजला वाला लूँगा तो उजला पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद यह अपने सेटिंग में लेकर आ गया। अब आपको करना है एक, जैसे टेक्निकल बनाना है तो टी लिखना है, तो इसको स्क्रॉल करते जाइएगा, जैसे कि इसमें देखिए ये सब उसका फॉन्ट है यूज करने वाला, ये सब दिख रहा है ना, ये सब उसका फॉन्ट है। तो आपको ऐसे भगाते जाना है, भगाते भगाते जाना है, और टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट लिखा होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे टेक्निकल बनाना है तो कोई शब्द बड़ा दीजिएगा, जैसे कि छोटा दीजिएगा, सॉरी छोटा दीजिए, जैसे कि मैं इसमें दे रहा हूँ टी तेरा टेक्निकल, जैसे मेरा चैनल का लोगो बना है वैसे ही आपको बनाकर बताता हूँ। जैसे लिखा है टी, उसके बाद आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ इसमें दिखा रहा है। उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद यह अपने फाइल में आ गया। तो जैसे कलर बदलना है तो आपको कलर पे क्लिक कीजिएगा। कलर पे क्लिक करने के बाद आपको, जैसे मैं यहाँ ब्लैक लूँगा, ब्लैक, यह इसमें ब्लैक है यहाँ के सामने, तो इस ब्लैक पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यह साइज है बड़ा छोटा करने वाला, जैसे कि यह दिख रहा है ना, इससे बड़ा छोटा होता है, जैसे दिखा रहा हूँ ये बड़ा छोटा होता है, जैसे इसको ऐसे बड़ा छोटा कर दिया, अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, मैं इस तरह लगाया हूँ। उसके बाद इसको छोटा कर दीजिएगा और बगल में क्लिक कर दीजिएगा उजला वाला स्क्रीन पे, जैसे ये उजला है ना, इसी पे बगल में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे मैं लिखा हूँ तेरा टेक्निकल, तो आर बड़ा लगा देंगे, आर पे क्लिक करेंगे और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसको फिर कलर पर क्लिक करेंगे, और फिर एक अपने हिसाब से कलर इसमें ले लेंगे। जैसे मैं एक ले लिया, जैसे कि मैं इसमें ले लिया हूँ एक कलर, देखिए एक कलर हो गया, अपने हिसाब से अपने रिकॉर्डिंग लेना है। जैसे कि मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, उसके बाद बगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है,
उसके बाद फिर सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सही वाले ऑप्शन ये दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा क्लिप लेना है नीचे वाला, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कैसे लेना है। तो इसको भगाइएगा ऐसे, थोड़ा भगाते भगाते जाइएगा और ड्रॉ लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिए। जैसे इसमें लिखा है ड्रॉ, देखिए ये लिखा है ड्रॉ ड्रॉ, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से ड्रॉ पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद कलर पर दाबिएगा और जो भी कलर लेना है, जैसे कि मैं एक कलर ले रहा हूँ, एक कलर ले रहा हूँ, जैसे कि यह कलर बहुत अच्छा है तो ये कलर लूँगा। तो इस पर क्लिक करूँगा और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद स्पेस पे जाऊँगा और इसको फाइल पे कर दूँगा और उसके बाद ओके कर दूँगा। उसके बाद ये स्क्रीन पे थोड़ा ऐसे करके भगाइएगा, नहीं हो रहा है, ऐसे करके भगाइएगा और उसके बाद कलर पर जाइएगा और जो कलर लेना है उस पर दाबिएगा और ऐसे लगा दीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे मैं इस तरह लगा रहा हूँ, ऐसे करके अपने हिसाब से। ये तीर वाला निशान है, ये घूमता है, ये भाई बगल में कौन दिख रहा है, ये सबसे बड़ा ऐसे छोटा होता है। तो आप लोग इसी को, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे बनाकर बता रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे, आप बगल में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सही वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा और फिर से ड्रॉ पर जाइएगा और फिर एक बार और ड्रॉ पर दाबिएगा और कलर पर जाइएगा और उजला पर दाबिएगा और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और स्पेस पे जाइएगा और फाइल कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। और इस तरह ऐसे इस पे स्क्रीन पे जैसे टैप कीजिएगा ना तो आ जाएगा, जैसे मैं देखिए बढ़ रहा है, ऐसा ही करके आप लोग बढ़ा लीजिएगा। तो मैं इसको काटूंगा साइड से, अच्छा लगता है काटने पर साइड से, अच्छा देखिए जैसे कि यह साइड से काट रहे हैं, अच्छा लग रहा है, एक बार और काटेंगे। तो फिर से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद फिर से ड्रॉ पर जाइएगा और एक बार और ड्रॉ पर दाबिएगा और कलर पर दाबिएगा और उजला पर दाबिएगा और सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद स्पेस पे जाइएगा और फाइल कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा और बगल में स्क्रीन पे ऐसे थोड़ा स्क्रीन पे टाइप करना है, उसके बाद यह आ जाएगा। उसके बाद इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लेना है, जैसे कि मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे लगा देना है और बोले बगल वाले स्क्रीन पे टाइप कर देना है, मतलब उजला अलग जगह टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद फिर से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फिर ड्रॉ पर दाबिएगा, एक बार और ड्रॉ पर दाबिएगा और फिर से कलर पर जाइएगा और उजला पर दाबिएगा और सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद स्पेस पे जाइएगा और फाइल कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा और बगल में ऐसे हाथ थोड़ा सा हलाइएगा, जैसे सहलाया गए तो आ जाएगा उजला। तो इसको अपने हिसाब से लगा लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा कर बताता हूँ, जैसे कि मैं लगा के बता रहा हूँ आपको, ऐसे लगा देना, कट कर देना है साइड से। उसके बाद बगल वाले स्क्रीन पे टाइप कर देना है उजला जगह पे। उसके बाद हो गया। और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको इस काटा हो ना ये चीना, इसमें कुछ लिखना होगा आपको। तो फिर से सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद ऐसे भगाते जाइएगा, भगाते भगाते जाइएगा। उसके बाद टैक्स पे जाइएगा और मैं तेरा टेक्निकल चैनल का लोगो बना रहा हूँ, ऐसे करके आप लोग अपना चैनल का हिसाब से बना लीजिएगा। तो मैं लिखूँगा तेरा टेक्निकल, बड़ा सा टी लगाएंगे, तेरा स्पेस दीजिएगा और लिखिएगा टेक्निकल, टी
TECHNICAL टेक्निकल। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको ऐसे घीचिएगा, जैसे घींच के, और ये काटा है ना चीना, इस पे लगा दीजिएगा। उसके बाद कलर पे दबिएगा और ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक नहीं करेगा तो अच्छा लगता है ऐसे उजला। हो गया, अब हमारा पूरा प्रोसेस हो गया और इसको अब एक लोगो की तरह बनाना है। तो हमको सही वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको ऐसे भगाते जाना है और टूल्स पे दबिएगा और साफ क्रॉप लिखा होगा, साफ क्रॉप इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसमें गोल कोई चीना होगा लोगों की तरह, उसमें दबिएगा। उसके बाद ये देखिए लोगों की तरह दिख रहा है तेरा टेक्निकल, अपने हिसाब से या तीर के हिसाब से, जैसे यह तीर दोनों साइड है ऐसे बढ़ा लीजिएगा। मैं लाम करना होगा तो लाम कर लीजिएगा, ऐसे लगा दीजिएगा तेरा टेक्निकल। अब सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद यह तीर वाले ऑप्शन है ना, यह तीर वाले ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से कोई इसमें से कलर लोगो के बगल साइड में जो कलर दिखता है उसको लगाना होगा। जैसे कि मैं इसमें कोई कलर, ये नीचे दिख रहा है, ये सब कलर है, इसमें से कोई कलर जैसे लगाना है तो लगा लीजिए। जैसे मैं इसमें लगाता हूँ ये कलर। उसके बाद ये साइज देखिए, साइज लिखा है तो साइज ये बढ़ता है 8, 9, 12 हो गया, तो अपने हिसाब से लगा, मैं इतना ही करता हूँ, अच्छा दिखता है। उसके बाद होने के बाद आपको सेव पर क्लिक कीजिएगा। सेव, ये सेव दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको, क्लिक हो रहा है, थोड़ा प्रोसेस लगता है इसमें। हो गया, अब हमारा लोगो बन के तैयार होगा। अब इसको गैलरी में ले जाना है अपने फाइल में। तो आपको फिर से तीर के निशान दिखाता होगा, जैसे कि इसमें दिखा रहा है। हमारा लोगो बनकर अब तैयार हो गया। अब इसको सेव करना है अपने गैलरी में। तो यह तीर के निशान दिखा रहा है ना, तीर के निशान, ये तीर के निशान, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक हो गया। उसके बाद इसमें आएगा ऑप्शन, जैसे कि इसमें आ रहा है शेयर, इसमें सेव, यह सेव दिखा रहा है। तो आपको सेव पे क्लिक कीजिएगा और सेव पे फिर से क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको गैलरी पर क्लिक कीजिएगा, ये गैलरी दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद ये गैलरी में सेव हो गया। तो देखते हैं अब हमारे गैलरी में आया है कि नहीं लोगो बनाए थे तो। देखिए ये आ गया है, जो लोगो हम लोग बनाए हैं वही। ऐसा ही लोगो बनता है, टेक्निकल हो या कोई चीज़ का लोगो, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ऐसा एग्जाम्पल में आप लोग को समझाया गया है कि यूट्यूब का लोगो कैसे बनाता है, बनता है, सॉरी गाइज। तो आप लोग ऐसा ही करके आप लोग बना लीजिएगा। थैंक।